हेलो इन्वेस्टर्स, तो गाइस आज हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। तो गाइस शेयर के बारे में सीधी बात करते हैं, शॉर्ट वीडियो है और इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये लॉस देगा या फ़ायदा देगा या क्या देगा। क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे हैं कि आलोक के अंदर पिछले 6 से 7 महीने से हम लोग इसके अंदर बाय कर रखा है लेकिन प्रॉफिट हमको देखने को मिल नहीं रहा है, हमको सिर्फ लॉस ही लॉस देखने को मिल रहा है। तो गाइस आपको एक सिंपल सी बात बता दूँ, मैं मेरी हर एक वीडियो में कहता हूँ कि आलोक इंडस्ट्रीज़ का कोर बिजनेस है टेक्सटाइल बिजनेस और वो अब यहाँ पे तेज़ी से उठने वाला है। होपफुली फ्राइडे को, तो हम जानते हैं कि फ्राइडे को मोस्टली हर एक निफ्टी के शेयर के अंदर हमको गिरावट देखने को मिलती है, बट जो नेक्स्ट सेशन होगा, जो नेक्स्ट वीक होगा हमारा आने वाला मंडे से, तब से हमें इसके अंदर एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसे बाय कर लीजिए या कर लीजिए, बट एक क्राइटेरिया होता है एवरेजिंग और वो आप लोग को खेलना नहीं आता, वो एक गेम के जैसे हमको खेलना होता है। उसके अंदर क्या करना होता है, जैसे अभी शेयर कितने 22 रुपये के ऊपर है और हम इसे आज बाय करते हैं तो कुछ क्वांटिटी में उठा के हम इसे 25 रुपये के आसपास 26 रुपये के आसपास सेल कर सकते हैं। जब हमें इस शेयर की मोमेंट पता चल चुकी है कि ये ऊपर नीचे होता रहता है, तो हमें उस हिसाब से हर शेयर के अंदर हमारी ट्रेडिंग को भी घुमाना चाहिए उसी तरीके से। तो ट्रेडिंग हमें कैसे करनी होगी, पॉसिबली 90% जो चांसेस है मंडे से इसके अंदर अपर सर्किट लगेगा, अपर सर्किट नहीं फ्लक्चुएशन कहते हैं उसे, फ्लक्चुएशन लिखेंगे, पॉजिटिव फ्लक्चुएशन आएंगी, तो हमें 22 रुपये से लेकर 25 रुपये तक एक 3 रुपये इसके अंदर कमा के इसे छोड़ देने हैं। जो इन्वेस्टर हैं उन्हें सिर्फ बता रहा हूँ, इनको ये चीज़ मैं किसी को कंपलसरी नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये करना है, ये एक सिर्फ एक ट्रिक है आलोक के अंदर से पैसा निकालने की। तो पॉजिटिव साइन दिख रहे हैं, होपफुली आप लोग का पैसा रिकवर होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। आफ्टर दिवाली टेक्सटाइल मार्केट की जो डिमांड होती है, कपड़ों की डिमांड होती है, वो ज़्यादा हो जाती है और होपफुली इनका बिज़नेस, एक सूरत टेक्सटाइल है, एक आलोक टेक्सटाइल है, आलोक इंडस्ट्रीज़, इनका बिज़नेस अभी थोड़ा तेज़ी में चलेगा और ऊपर से कोरोना का भी चल रहा है। तो गाइस ओवरऑल आलोक एक सेफ हैंड में है, लेकिन जो भी है ऑपरेटर गेमिंग भी इसके अंदर चल रही है, लेकिन हमें उस चीज़ से डरना नहीं है। मैंने आपको जो क्राइटेरिया बताया उस क्राइटेरिया के हिसाब से हमें चलना है इसके अंदर, और इसके अंदर हमें कोई भी चीज़ें करनी नहीं है। कुछ छोटे छोटे अमाउंट में हमें डिप्स के अंदर इसे बाय करके हमें इसे छोड़ देना है, तो हमारा प्रॉफिट इसके अंदर से निकाल पाएंगे। अगर आप वेट कर रहे हैं इसके अंदर कि टारगेट 50 होगा, 100 होगा, 60 होगा, तो उसके लिए आप अभी बहुत दूर की सोच रहे हैं। वो 50, 60, 100 हम छोटे छोटे डिप्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, 3-3 रुपये का प्रॉफिट करके हम इसके अंदर 30 रुपये का प्रॉफिट कर सकते हैं। तो वो करने की ट्रिक्स हमें आनी चाहिए, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप ये चीज़ करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। आप अब इसके अंदर वॉल्यूम भी चार्ट देखिए, वॉल्यूम चार्ट भी इसके अंदर हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है धीरे धीरे। जो यहाँ पे देखिए 11, 19, 20 इसके अंदर जो वॉल्यूम चार्ट है उसके भी काफ़ी इंक्रीमेंट देखने को हमें मिल रही है। तो होपफुली जो है शेयर अच्छा रहेगा। अब तो ऑपरेटर पे इसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो रिटेलर्स हैं वो थोड़ा सा भी पॉजिटिव साइन देखते हैं इसे सेलिंग की तरफ भाग जाते हैं और सेल कर देते हैं, तो वो चीज़ गलत है। हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, मार्केट है, मूवमेंट देगी, तो शेयर के हिसाब से हमें थोड़ा रुकना चाहिए शेयर के अंदर। यही जो मैंने ट्रिक बताई उसे आप यूज़ करिए और इसके अंदर से आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो गाइस एक और चीज़, अपस्टॉक्स के अंदर जो है अच्छा खासा हमें प्रॉफिट हो सकता है। अपस्टॉक्स के अंदर ब्रोकरेज चार्ज बिल्कुल लो है और उसके अंदर बहुत इजी टू यूज़ है और मनी कंट्रोल एक सबसे बेस्ट है जो 1 साल के लिए फ्री दे रहा है अपस्टॉक्स। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा कि आप सिर्फ उस लिंक पर जाके चैनल अपना अकाउंट खुलाने की कोशिश करिए, आपका अकाउंट करने की खोलने की पूरी प्रोसेस वहाँ से चालू हो जाएगी और आपको एक अच्छे खासे बेनिफिट्स होंगे मनी कंट्रोल से, क्योंकि ये वहाँ अपने को फ्री देता है। तो गाइस अभी लगे सिर्फ इतना ही, वीडियोज़ आते रहेंगे, चैनल पर बने रहिएगा।